हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि फ्लिपकार्ट पर अगर आपका जो कैमरा शो नहीं हो रहा है या कैमरा ओपन नहीं हो रहा है उसका, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट है उसे अगर सर्च करना है फ्लिपकार्ट पर, तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो के दौरान आप जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपने फ़ोन के फ्लिपकार्ट पर आ जाए, जैसे कि मैं आ चुका अपने फ़ोन के फ्लिपकार्ट पर, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये जो कैमरे वाला ऑप्शन है, ये वाला, अगर दोस्तों ये ओपन नहीं हो रहा है आपके फ़ोन में, तो आप इसे कैसे ओपन कर सकते हैं या इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप पूरा बैक चले जाइए एक बार और इस एप्लीकेशन को वहाँ से हटा दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने के बाद ऐसे फ्लिपकार्ट पर जाइए और इसे लॉन्ग प्रेस करके रखिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपके पास आ जाएगा ऐप इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आपका फ़ोन वीवो का है दोस्तों, तो आपको सेटिंग से ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ऐप इन्फॉर्मेशन में जा चुका हूँ। और दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों, मैनेज नोटिफिकेशंस के बाद थोड़ा नीचे परमिशंस लिखा हुआ, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैमरा को एक बार क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद अलाउ ओनली व्हिल यूजिंग द ऐप, इस पर एक बार क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद बैक ले लीजिए एक बार, और बैक लेने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका, जो अगर कैमरा ओपन नहीं होता रहा होगा या नहीं चल पा रहा होगा तो दोस्तों वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, टेक अ फ़ोटो। दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ की फ़ोटो लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं, या दोस्तों अगर आप गैलरी से यहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट अगर आपने ले के रखे तो यहाँ से गैलरी से उसे ला के यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।